हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छे से होगी और सेफ होगी। दोस्तों मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आज की फ्रेश वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कैसे आप बीच रिसोर्ट में जॉब ले सकते हैं गोवा में। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज की वैकेंसी से रिलेटेड। दोस्तों आज की जो वैकेंसी निकल के आई है ना, वो बहुत ही सुटेबल लोकेशन पे है। जो लोग भी गोवा आके जॉब करना चाहते हैं, पीसफुल लोकेशन पे आके जॉब करना चाहते हैं, वो लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों फाइनल मैं बता देता हूँ आपको, ये जो जॉब होने वाली है ये होने वाली है कोलवा में। बहुत सारे लोग कोलवा के बारे में जानते होंगे, कोलवा एक बीच है गोवा में और ये जो रिसोर्ट है ये बिल्कुल बीच पे ही है। ये इस रिसोर्ट का जो नाम है दोस्तों वो है सी क्वीन बीच रिसोर्ट। ठीक है, बहुत ही औसम रिसोर्ट है ये। अगर आप लोग कभी घूमने आओ गोवा तो जरूर इस रिसोर्ट को जरूर प्रेफर करो। आप वहाँ स्टे कर सकते हो, वहाँ का फूड इंजॉय कर सकते हो दोस्तों, और बहुत ही औसम लोकेशन है, आपको बीच का व्यू मिलने वाला है। दोस्तों इस जॉब में जो सबसे पहले मैं बताऊँ कि HR पोजिशन के लिए हायर किया जा रहा है, तो जो लोग भी HR एज ए HR रोल पर इंटरेस्टेड है जॉब करने के लिए, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। देखिए फ्रेशर भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने अभी होटल मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट किया है या आपको HR का जो रोल है आपने उस पर पहले काम किया है, क्योंकि मिनिमम एक्सपीरियंस अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 से लेके 5 साल का है। तो अगर आपने 1 साल भी किसी होटल मैनेजमेंट कोर्स करके या किसी नॉर्मल अगर आप 12th पास आउट हो या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, उसके बाद भी अगर आपने किसी 4-5 स्टार प्रॉपर्टी में काम किया है, तो दोस्तों आप यहाँ सुटेबल है, बिल्कुल परफेक्ट है इस जॉब के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब इसके बेनिफिट्स मैं बताता हूँ, इस जॉब में आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं। दोस्तों ये जो जॉब है इसमें आपको HR पोजीशन का के लिए हायर किया जाएगा। जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो फूड मिलेगा दोस्तों और एकोमोडेशन मिलेगा आपको। तो ये बहुत ही अच्छा एक रिसोर्ट है जहाँ पे आपको एकोमोडेशन भी मिल जाएगा। तो जो आपकी ओवरऑल जो सैलरी होने वाली है, ग्रॉस सैलरी होने वाली है, वो आपकी पूरी सेव होगी। तो दोस्तों अगर मैं सैलरी की बात करूँ, वो डिपेंड करेगी आपके एज पर इंटरव्यू में, जो आपसे इंटरव्यू किया जाएगा, जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो उसके बाद जो अगला राउंड होगा तब आपकी सैलरी डिस्कस की जाएगी। तो उसके बिहार पे आपको सैलरी जो है काफ़ी अच्छी मिलेगी इस जॉब में। तो दोस्तों आप अगर आपने अप्लाई नहीं किया अभी तक, तो नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके अपना CV साइन कर सकते हो। दोस्तों CV में मैं बार बार यही मेंशन करता हूँ कि आप अपना फोटो जरूर लगाएं, क्योंकि होटल और रिसोर्ट जॉब या कैसीनो जॉब्स में आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए भी आपको एक चांस दिया जाता है। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है और इनकेस आपको एक्सपीरियंस कम है तो भी आपको एक चांस दे दिया जाता है, क्योंकि जो कैसीनो होटल्स में जो होते हैं ज़्यादातर फॉरनर्स आते हैं या जो भी गेस्ट आते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को देख के ही आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही डिसेंट है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ये जो लोकेशन है बहुत ही पीसफुल लोकेशन है। अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो उसके लिए आप नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मडगांव को यूज़ कर सकते हैं। आप अगर किसी अदर स्टेट से आना चाहते हैं तो मडगांव आके और उसके बाद 5-6 किलोमीटर की दूरी है कोलवा की, तो आप वहाँ जाके स्टे कर सकते हैं। और जॉब के लिए दोस्तों आप मेरे पहले वीडियोस देख सकते हो जिसमें मैंने री लेवल की एक वीडियो बनाई है, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट गारंटीड इंटरव्यू आपको फेस करना पड़ेगा और गारंटीड आपको जॉब मिलेगी। तो उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, आप उस वीडियो को देख लेना, मैं आई बटन में लिंक दे दे रहा हूँ, तो वहाँ जाके चेकआउट कर लो। और NV10 कोड जरूर यूज़ करना, इससे आपको 200 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, वीडियो को शेयर जरूर करना उन लोगों से जो लोग भी अभी जॉब सीकर्स हैं, जो लोग गोवा के जॉब करना चाहते हैं, चाहे IT सेक्टर्स हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी फार्मा सेक्टर हो। तो इस टाइप की वैकेंसीज जो है काफ़ी आने वाली है और गोवा में इस टाइप की कंपनीज काफ़ी सारी है, तो वीडियो को जरूर शेयर करना उन लोगों से। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।